नमस्कार, आपण पाहत आहात शौर्य मराठी। नवनवीन तंत्रज्ञानाद्वारे शिक्षण ही काळाची गरज आहे हे लक्षात घेऊन शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून कोडिंग, फायनान्शियल लर्निंग, डाटा सायन्स अँड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे नवीन विषय सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती विराग पेसुना यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। रुस्तमजी इंटरनॅशनल शाळेत या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। कोरोना काळात ऑनलाईन वर्ग घेऊन शाळेने आपला शैक्षणिक दर्जा ढासळू दिला नाही। बदलत्या काळाप्रमाणे वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांचे महत्त्व लक्षात घेता शाळेमध्ये 70,000 स्क्वेअर फूटचे क्रिकेट मैदान, 3 नेट प्रॅक्टिस क्रिकेट मैदान, 2 बॉक्स क्रिकेट मैदान बांधण्यात आले आहे। भविष्यात विद्यार्थ्यांसाठी डायट प्लॅन व डायनिंग हॉल उपलब्ध करून देणार असल्याचेही विराग पेसुना यांनी सांगितले। याप्रसंगी HD पेसुना, यासीम पेसुना उपस्थित होते। आज की जो पत्रकार परिषद हमने बुलाई थी वो इस सिलसिले में बुलाई थी कि हम आपसे कुछ बात कर ले, जलगांव के लोगों तक, जलगांव के पालक तक हम हमारा संदेशा पहुंचा सके। 1980 से जो हम शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं, 1980 में जो मेरी माँ ने रुस्तम जी मोंटेसरी एक स्कूल शुरू की थी, आज वो रुस्तम जी इंटरनेशनल स्कूल बन गई है और हर साल कुछ नए बदलाव हम लाते रहते हैं और उच्च श्रेणी का शिक्षण, यही हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चों को हम दे सकें। इसलिए स्कूल में जो भी बदलाव आते रहते हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्कूल में कई बदलाव आए हैं और कई बदलाव हम लाएंगे। कुछ बदलाव में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो कौशल विकास के अंतर्गत विषय जो बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उस सिलसिले में हमने कोडिंग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस किया हुआ है, डेटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी के अंतर्गत हमने बैंकिंग, मनी मैटर्स, जो बचत बच्चों ने करनी चाहिए, क्या खर्च होना चाहिए, इसके ऊपर ये जो नए विषय है हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हमने किया हुआ है उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने अभी एक नया 70,000 स्क्वायर फीट का एक नया क्रिकेट ग्राउंड तैयार किया हुआ है। उसके साथ साथ 2 बॉक्स क्रिकेट के हम कोर्स बना रहे हैं, 50 मीटर्स का स्विमिंग पूल बना रहे हैं और नेट प्रैक्टिस बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हो क्रिकेट में, इसके लिए हम लोगों ने ये सब शुरू किया हुआ है। इसके अलावा आगे हमारी ऐसी सोच है कि जो बच्चे टिफिन बॉक्स लाते हैं उसमें अनहेल्दी फूड होता है, ज़्यादा हेल्दी फूड होता नहीं, और सुबह सुबह काफ़ी फैमिलीज और मदर्स को दिक्कतें भी आती हैं। इसीलिए हम हमारे डाइनिंग हॉल में एक डाइटिशियन के थ्रू एक प्रॉपर डाइट बना के हम बच्चों को वो हिसाब से डाइनिंग हॉल में स्कूल आवर्स में ही वो खाना प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश रहेगी। पेसुना परिवार 1980 से जो रुस्तम जी इंटरनेशनल स्कूल चलाते आ रही है वो आगे भी चलाते रहेगी। पेसुना परिवार जलगांव छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है क्योंकि जलगांव ने पेसुना परिवार को बहुत दिया है, हमारे सारे सपने यही पूरे हुए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि अब हम जलगांव के जो बच्चे हैं उनके सपने पूरे करें। हम 2 नई चीजें स्कूल में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एक है जूनियर MBA। आज बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके जो लाइफ डिसीजंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं उनके रिलेटिव से, उनके टीचर्स से, उनके पेरेंट्स से, उनके फ्रेंड्स से। तो हम एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं स्कूल में, दैट इज जूनियर MBA, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाएगा, MBA लेवल का नॉलेज दिया जाएगा कि MBA कैसे होता है, वहाँ क्या पढ़ाते हैं, एंड एंटरप्रेन्योर्स जो है आज के इंडिया के वो किस तरह से काम करते हैं, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएगी। सो वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग जूनियर MBA प्रोग्राम्स फॉर द हायर क्लासेस बहुत जल्द, एंड वी विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूसिंग छात्र संसद। MUN जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं आज बहुत फेमस है, हर स्कूल करता है, मॉड्यूल यूनाइटेड नेशंस, हमारे बच्चे भी इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, बट इट इज़ टाइम कि बच्चों को पॉलिटिकल साइंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा पुश किया जाए, उन्हें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इंडियन पॉलिटिक्स कैसे रन करता है, इंडियन पॉलिटिक्स के पॉजिटिव्स क्या है और क्यों हमें एक एथिकल पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत है, और बिकॉज हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एथिकल पॉलिटिकल लीडर्स बने, हम छात्र संसद के द्वारा लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देना चाहते हैं और अभी बहुत जल्द उसका भी एक प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है जहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बच्चों को सिखाया जाएगा। श्री स्वामी समर्थ फाइनेंशियल सर्विसेस जळगाव, शेती कर्ज, पीक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, व्यावसायिक कर्ज, तारण कर्ज आणि विविध कर्ज सुविधा उपलब्ध। श्री स्वामी समर्थ फायनान्शियल सर्व्हिसेस, गोलाणी मार्केट, जळगाव।